अयोध्या का कैंट थाना क्षेत्र हत्याकांड की घटना के बाद दहल उठा। कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के रहने वाले मनोज कुमार की निर्मम हत्या कर शव संदिग्ध परिस्थितियों में कारागार के पीछे टैक्सी स्टैंड के पास फेंक दिया गया। मनोज यादव अपने पीछे दो मासूम बच्चे, अपनी पत्नी और बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका परिवार उनके जाने के बाद अकेला पड़ गया है और आजीविका का साधन भी इस परिवार से दूर चला गया है। बता दे, 3 अप्रैल की रात मनोज कुमार के लिए आखिरी रात साबित हुई। मनोज दिल्ली वेरी प्रिवेंट कंपनी में करीब 3 साल से काम कर रहे थे। उनके परिवार का कहना है कि कंपनी के किसी 2 लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और इस दौरान उन दोनों ने मनोज को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि कत्ल वाली रात मनोज कैंट स्थित आरटीओ ऑफिस के पास वर्मा ढाबे पर खाना खाने गया था। उसी दौरान उसका 3 युवकों के साथ विवाद हो गया और इस बीच मनोज और 3 आरोपियों के बीच मारपीट भी हुई और 3 आरोपियों ने मनोज की हत्या कर शव मंडल कारागार के पीछे फेंक दिया। वर्मा ढाबा पे हमको सुबह पता चला है कि रात में वहाँ से 15-20 लोग थे। पहले 3 लोग थे, 3 लोगों में झगड़ा हुआ, फिर फोन करके स्कॉर्पियो गाड़ी से, कोई नंबर उसका नहीं पता है ना, वहाँ के लोग बता ही पाए हैं, फोन करके बुलवाया गया। बेल्ट से भी वहाँ मारपीट हुई थी, इतना जानकारी हमको हुई है। सुबह जब हम लोग पहुँचे वर्मा ढाबा वाले ने खुद ही बताया कि रात में कुछ खुजनीपुर के लोग थे, कोई बाहरी लोग थे, लोगों ने आपस में झगड़ा लड़ाई किया था। इस हत्याकांड के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं और नवतेज टीवी की टीम परिवार को न्याय दिलाने के लिए मृतक के घर पहुंची और हमारे ब्यूरो चीफ तुफेल अहमद ने परिजनों से खास बातचीत की। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सुधाकर, विपिन मिश्रा और ओंकार के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये हत्या लगती है क्योंकि वो अक्सर बताया करते थे कि मेरा मैनेजर के साथ लड़ाई हुआ, उनके रूम में जो रहता था उससे भी लड़ाई होती थी क्योंकि, और जो भी कुछ हुआ मुझे बहुत दुख है। मैं प्रशासन से उम्मीद लगाए हूँ कि उसके साथ बिल्कुल स्पष्ट न्याय हो, हम लोगों को न्याय मिले। अब देखना होगा कि मनोज और उसके परिवार को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर मामले को दबा दिया जाता है। यूपी के अयोध्या से तुफेल अहमद की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।